डॉक्टर साहब के हाथ से मेरे साथ में। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। माय नेम इज पुष्पा शिंदे। दो आई एम बोर्न हिंदू, आई बिलीव इन इस्लाम एंड आई वांट टू रीड अ कलमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। माशाल्लाह, दिस वाज वेरी गुड। That was the Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just Aap sister, main puchna chahta hu ki aap Islam qabool karna chahti hai? Yes sir. Haan. Pehle main ye kehna chahta hu ki jab se Peace TV shuru hua hai, Alhamdulillah, aur काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ लाइफ, एवरीथिंग इज़ ओपन, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुँचाते। आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता तो भी हमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए? मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये बहन जी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है। और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ? हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है। और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही हैज अ राइट टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपोगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी मैं दिल से इस्लाम कबूल। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा और आप दोहराए और फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अल्लाह इलाहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदर मुहम्मदर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान।